7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोगों ने कुछ पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट नंबर 8 है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, हम लोग इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद चेक करेंगे कि अब वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। किस तरह सॉल्व करना चाहिए हमें अगर हम x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये स्केयर रूट खत्म होना चाहिए। स्केयर रूट को हम लोग कैसे खत्म करते हैं, दोनों तरफ हम लोग स्केयर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं, स्क्वेयर ले लेते हैं। तो यहाँ पर स्केयर लेते हैं, सबसे पहले ये वैल्यू लिखते हैं, क्या वैल्यू थी हमारे पास, x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 स्केयर रूट था, और इस साइड पर क्या था 2। इस साइड पर भी मैं स्केयर लूँगा और इस साइड पर भी क्या लूँगा, स्केयर। अब आपको पता है कि स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जब ये कैंसिल होंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस 1 और नीचे क्या रह जाएगा 2x प्लस 5, 2 का स्केयर क्या होगा 4। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो इस साइड पर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इक्वल टू 4, साथ क्या आएगा 2x प्लस 5, और x प्लस 1 एज इट इज लिखें, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 सार 8, 4 5 सार 20। अब क्या करना चाहिए, x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें, देखें यहाँ पर भी 8x है, यहाँ पर भी x है, x को इधर ही रहने देते हैं, 8x को इसके साथ ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा इस तरफ आके क्योंकि इधर प्लस था ना, इस साइड पर आएगा तो माइनस, 20 को एज इट इज लिखें, 1 इस साइड पर आएगा तो माइनस 1। अब ये कितना होगा, x माइनस 8x। इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको नहीं समझ आती, आप कैलकुलेटर यूज़ किया करो। x के साथ देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, 1 लिखें, मतलब इधर 1x है, इधर कितने x हैं, देखें 8 नहीं है, ये माइनस 8 है, तो यहाँ पर लिखें माइनस 8। तो 1 माइनस 8 आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा, माइनस 7। अगर आप 7 लिखाते हो गलत होगा, माइनस 7, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, माइनस 7x, यानी x में से जब हम माइनस 8x करते हैं तो माइनस 7x आएगा, 20 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 19। अब क्या करेंगे, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 19 ओवर माइनस 7। ये माइनस आप लोग नीचे लिखने की बजाय हमेशा क्या करोगे, ऊपर ही लिखोगे, ये हमारे पास x का आंसर आया 19 ओवर 7। अब फर्दर हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू हमारे पास ठीक है या नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग देते हैं चेक, एंड पर हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे माइनस 5 ओवर 2 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चेक के लिए मैं क्या करूँगा, अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखूँगा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 स्केयर रूट था, इसको स्केयर रूट पढ़ लो या अंडर रूट पढ़ लो, और हमारे पास क्या था 2। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है, x की जगह पे क्या वैल्यू है, माइनस 19 ओवर 7, माइनस 19 ओवर 7 प्लस 1 पुट करेंगे 2 लिखेंगे, इसी तरह x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 19 ओवर 7 प्लस 5, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्केयर रूट एज इट इज, और इस साइड पर क्या था 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अपनी ये जो वैल्यू थी माइनस 19 ओवर 7 प्लस 1 को एज इट इज़ लिखते हैं, ओवर के नीचे इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 19 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 38 आएगा, ओवर 7 हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। अब 7 को और 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ऊपर और नीचे हैं, एक वैल्यू ऊपर है एक नीचे है, और साथ क्या है हमारे पास प्लस 5, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, और इक्वल के इस साइड पर क्या है 2 है। अब ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, जो माइनस 19 ओवर 7 प्लस 1 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको कैलकुलेटर पे आप लोग लिखो। देखिए माइनस 19 ओवर 7 जब हम लोग प्लस 1 जब हम लोग कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस 12 ओवर 7। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेटर पे यूज़ करते हैं माइनस 38 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3 ओवर 7 इक्वल 2। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ली वैल्यूज़। अगर आप कैलकुलेटर पे नहीं करना चाहते तो आप लोग इसको हाथ से भी सॉल्व कर सकते हो, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं किस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 और 7 है ये कटिंग कर देंगे, ये वैल्यूज़ इस तरह से कटिंग कर सकते हो आप लोग। बाकी हमारे पास क्या रह जाता है, ये इधर माइनस 3 आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है माइनस 12 ओवर माइनस 3, तो इधर लिखते हैं हम माइनस 12 ओवर
माइनस थ्री स्केयर रूट है, इस साइड पर क्या है टू, ये कटिंग हो जाएगी, दो माइनस हैं तो वो कटिंग हो गई, माइनस माइनस प्लस होता है, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, तो क्या आंसर आया फोर, इस साइड पर क्या था टू, फोर का अंडर रूट क्या होगा टू होगा, टू किसके इक्वल आ गया टू, यानी दोनों आंसर सेम आ गए, मतलब इस ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी एक्स की उसने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है सेटिस्फाई कर दिया है, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो क्या आया है हमारा सोल्यूशन सेट माइनस 19 ओवर 7, तो इधर लिखोगे माइनस 19 ओवर 7, ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और अब हम लोग देखते हैं कि x की वैल्यू माइनस 5 ओवर 2 यहाँ पर नॉट इक्वल क्यों लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट नहीं है, आप लोग पेपर में इसको नहीं करोगे, पेपर में बस यहाँ तक ही है, ये वैसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं कि x की वैल्यू माइनस 5 ओवर 2 क्यों नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ना क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास क्या था x प्लस 1 और नीचे था 2x प्लस 5, अंडर रूट था और इस साइड पर क्या था 2। देखें अगर हम लोग x की वैल्यू माइनस 5 ओवर 2 यहाँ पर पुट करें तो क्या बनेगा, x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 5 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2 प्लस 5, इस साइड पर 2 एज इट इज लिखें, इस साइड पर ऐसे ही लिखते हैं माइनस 5 ओवर 2 प्लस 1, ये 2 इस 2 से कटिंग होगा, बाकी क्या रह जाएगा माइनस 5 प्लस 5, तो आप लोग ये देखें माइनस 5 ओवर 2 प्लस 1 ओवर माइनस 5 प्लस 5 0, और ये हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर दिया कि ऊपर के नीचे जब 0 आ जाए तो इन्फिनिटी होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसको डिस्कस किया था, अगर यहाँ पर 0 आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर। आप लोगों को लगता है कि 3 ओवर 0 जो है इसका आंसर शायद 0 होता है, 0 नहीं होता, आप लोग कैलकुलेटर पे चेक करें 3 ओवर 0 का आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, आप 2 ओवर 0 करें तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि ओवर के नीचे जब 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। जब हम लोग x की वैल्यू माइनस 5 ओवर 2 अगर इस क्वेश्चन में पुट कर दें तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा हमारा उस तरह से, इसलिए क्वेश्चन के अंदर उसने ऑलरेडी मेंशन किया था कि x की वैल्यू माइनस 5 ओवर 2 नहीं हो सकती, ठीक है, इसको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के क्लियर करने के लिए बताया था कि x की वैल्यू माइनस 5 ओवर 2 क्यों है, पेपर में हम लोग जस्ट यहाँ तक ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग 7.1